कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड मुख्यालय स्थित नवीन बस स्टैंड अपनी पहचान के लिए 7 सालों से तरस रहा है। नवीन बस स्टैंड निर्माण के लिए दुकान, रूम, यात्री परिचालय, सामुदायिक भवन, शौचालय जैसे व्यवस्था के लिए 50 लाख से भी ज्यादा खर्च हो गए, लेकिन आज भी ये वीरान पड़ा रहता है, जिसका कारण पेयजल, शौचालय और नियमित बस का स्टैंड पर ना रुकना है। चहल पहल यात्रियों का ठहराव दुकान संचालकों को भी प्रभावित कर रहा है। 6 से 7 दुकानें नीलाम तो हो गई, लेकिन बस स्टैंड वीरान होने से दुकानें बंद होने लगी। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा काम अधर में अटका हुआ है। बेरोजगार युवाओं का मानना है कि ये दुकानें पूर्ण होती तो स्वरोजगार से जुड़कर वीरान बस स्टैंड में चहल पहल होती। ये बस स्टैंड तो बने पिछले लगभग 4-5 साल, 1-5 वर्ष बीतने जा रहा है और लगभग यहाँ पे 50 लाख की लागत से ये आप देख रहे हैं जो सेट बना हुआ है, दुकानें बन रही हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे बस स्टैंड का या बस कोई रुकता ही नहीं है ना, बस का स्टैंड का संचालन हो पाया है। यहाँ पे पिछले 2 साल से मैं दुकान कर रहा हूँ, लेकिन और भी कई सारे दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे यात्री रुकते ही नहीं है, बस भी नहीं रुकती है, तो दुकान ठीक ठाक चलता नहीं है, कभी कभी तो बोनी भी नहीं होता है। बस स्टैंड बने लगभग 4-5 साल हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई बस आती है तो अपने स्टैंड में रुकती नहीं, डायरेक्ट मेन रोड में जाके खड़ी हो जाती है, जिससे यात्री यहाँ जो बैठे रहते हैं दौड़ के जाना पड़ता है उनको बस पकड़ने। यात्रियों के लिए सुविधा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस निर्माण जो दुकान बनी हुई है वो नीलामी भी नहीं हो पाई है, बस ऐसे ही ताला लगे हुए हैं और जो साथ पीछे जो रूम बने हैं वो आधा अधूरा निर्माण हुआ है। नहीं, बस स्टैंड के मामले का जो इशू है ये अभी मेरे संज्ञान में आया है, और यदि वहाँ पे शौचालय नहीं है तो निश्चित रूप से हम इसमें पता करवाएंगे जनपद सीओ साहब से क्यों नहीं है, और यदि आवश्यकता हो तो सामुदायिक शौचालय वहाँ पे तत्काल हम स्वीकृत भी करेंगे, और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को निर्देश दिए जाएंगे, और उसकी मूलभूत जो सुविधाएँ हैं बस स्टैंड में जो होनी चाहिए इसके बारे में एक रिपोर्ट हम RTO साहब से मिलेंगे।